ये मैं और ये मेरा गद्दा स्टंट, मतलब कि इस पर हम स्टंट करते हैं। सो डांसिंग क्लास में आ गए हैं, तो आगे क्वेश्चन यही कंटिन्यू करें। सो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको डांसर बनना है तो आप कोई यूनिक स्टेप्स लाओ। हाँ, मैं ट्राई कर रही हूँ और काफी हद तक मैंने डाली भी है रील्स पर। अगर आपको अगर कोई स्टेप पता है तो आप मेरे को सजेस्ट कर सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को सीखने में अच्छा लगता है। व्हाट इज योर सरनेम डियर? माय फुल नेम इज साक्षी पचौरी। पचौरी मतलब हिंदू, ऐसा मम्मी बोलती है कि अपन लोग सनातन ब्राह्मण है, बट मुझे अभी तक समझ नहीं आया कि ये होता क्या है। व्हाट अबाउट योर जर्नी? एक्चुअली मेरी जर्नी मुझे बहुत अच्छी लगी, मैंने उससे बहुत कुछ सीखा और कहीं पर गिरी, कहीं पर उठी, कहीं पर ज्यादा उठ गई, कहीं पर ज्यादा ही नीचे गिर गई, बट उससे बहुत अच्छा मैंने मेरे को सीख मिली और एक कॉन्फिडेंस अपने अंदर आया कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ। बस यही सीखा मेरा अपनी फुल जर्नी से। हॉबीज, बैडमिंटन जो कि मेरा बहुत फेवरेट गेम है, लेकिन मेरे को कुकिंग भी कभी कभी अच्छी लगती है इसीलिए बना लेती हूँ, मम्मा को हॉलीडे दे देती हूँ उस दिन। प्लीज आप अपनी यूट्यूब और रील्स की जर्नी बताओ। जब टिकटॉक बैन हुआ था तब आपने रिकवर कैसे किया? एक्चुअली मैं 10th क्लास में फेल हुई थी, मतलब मेरी सप्लीमेंट्री आई थी, तो मैंने मेरे भैया ने मेरे को सजेस्ट किया कि आपको टिकटॉक पर वीडियोस बनानी चाहिए, तो मैंने ट्राई किया। फिर आफ्टर 6 months मेरा वीडियोस वायरल होने लगे, देन फिर बैन हुआ तो मुझे थोड़ा सा अपसेट हुआ, लेकिन मैंने अपना यूट्यूब पर ट्राई किया, यूट्यूब पर वीडियोस चलने लगी मेरी 2-3 days में, देन फिर रील्स आया, तो मैं टिकटॉक ही समझती हूँ अभी तक। इंस्टाग्राम को, रील्स को एक टिकटॉक ही समझती हूँ और मैं अपने टिकटॉक को बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। आप एक बार ब्राइडल लुक में आ सकते हो क्या? आपको ब्राइडल लुक में देखना है? हाँ बिल्कुल आ सकते हैं, लेकिन अभी लॉकडाउन चल रहा है ना, तो कोई भी पार्लर वगैरह खुले नहीं होंगे, सो मैं आपकी बहुत जल्दी विश पूरी करूंगी। तुम क्या करते हो? एक्चुअली मैम आई एम अ यूट्यूबर और मैं रील्स पर, मतलब इंस्टाग्राम की रील्स बनाती हूँ मैम, स्टडी भी करती हूँ, मम्मा की हेल्प भी करती हूँ, सिस्टर का होमवर्क भी कराती हूँ, सब कुछ करती हूँ मैं। योर मोस्ट ब्यूटिफुल एंड एम्बेरसिंग मूवमेंट? हाँ है, एक है बस, ज्यादा नहीं है। जब मम्मा की एनिवर्सरी थी, सिल्वर एनिवर्सरी, जब मैं पार्लर गई थी और पार्लर पे बस अपने आपको ही देख रही थी, हर जगह बस वही वही चमक रही थी, बस वही मेरा सबसे ब्यूटीफुल एंड एम्बेरसिंग मूवमेंट रहा। व्हाट इज योर फैमिली रिएक्शन? किस चीज का? अच्छा एक बार है, आपने दी किस कैमरे से शूट किया है अपने वीडियोस? मैं ओप्पो के कैमरे से शूट करती हूँ, बाकी कोई भी यूट्यूबर बताता नहीं है, लेकिन मैंने शेयर कर दिया, कोई ना थोड़े ना कोई छुड़ा के ले जा रहा है। अपनी स्ट्रगल स्टोरी बताओ दी। मेरे हिसाब से तो जो मैंने अभी तक किया है 3 साल में वो कोई स्ट्रगल नहीं है, अभी स्ट्रगल तो मेरा अब से चालू होगा और देखते हो उस स्ट्रगल में मैं पास हो पाती हूँ या फिर नहीं। मैं कमेंट करती हूँ पर आप रिप्लाई नहीं करते हो। डियर ऐसा कोई कमेंट नहीं है जो मैं रिप्लाई नहीं करती हूँ, पता नहीं आपका कमेंट यार कहाँ छुप जाता है। ठीक है मैं ढूंढूंगी, ओके पक्का। वेयर आर यू फ्रॉम प्लीज रिप्लाई? मैं शुप्री एमपी से हूँ सर, बिग फैन, थैंक यू सो मच, और आप सब मेरे फैन है, ये मेरे लिए बड़ी बात है, सो थैंक यू सो मच। ऑल टाइम फेवरेट सॉन्ग? एक जिंदड़ी मेरी सो ख्वाहिशां, एक एक मैं पूरी करा, बस ये है मेरा फेवरेट सॉन्ग। योर हाइट? 4.6 inch। शेयर योर रूटीन? हाँ मैं भी सोच ही रही थी कि एक वन डे ब्लॉग, पूरा अपना फुल डे का ब्लॉग आपके साथ शेयर करूं, सो बहुत जल्दी आने वाला है, इसके 2-3-4-5 दिन बाद। आप डांसर बनना चाहते हो लेकिन आपकी फिटनेस बॉडी क्यों नहीं है? अकॉर्डिंग टू मी एक डांसर बनने के लिए फिटनेस बॉडी नहीं, फ्लेक्सिबल बॉडी होनी चाहिए। मुझे पता है आप मुझे रिप्लाई नहीं करोगे, फिर भी एक बार पूछ लेता हूँ। आर यू मैरिड? आई एम 18 years old only। और एक्चुअली हिंदू में जल्दी शादी नहीं करते हैं,
क्योंकि 25 इयर्स ओल्ड के बात करते हैं, इसीलिए नहीं भाई। टुडेज पिक, ओके क्वेश्चन क्या पूछूं यार, बस आप बहुत क्यूट और वोलू मोलू भी हो। थैंक यू सो मच, वैसे मैं क्यूट हूँ ये मुझे आज पता चला, लेकिन गोलू मोलू तो मुझको सब बोलते हैं। हाय साक्षी, व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान, यू आर अमेजिंग डांसर, जस्ट कीप इट अप। सो थैंक यू सो मच, वैसे मेरा फ्यूचर प्लान मेरा डांसर ही है और आपने मेरे डांस की तारीफ कर दी, तो थैंक यू सो मच। मैं क्यों जानू आपके बारे में, पहले ये बताओ। मत जानू भैया, कोई बात नहीं, क्योंकि मैंने थोड़ी ना आपको फोर्स किया है। तो आप इतना हिलते क्यों, सीधे खड़े होकर बोल नहीं सकते हो क्या, तकलीफ होती है? नहीं एक्चुअली मुझको तकलीफ नहीं होती है, लेकिन अगर मैं नेशनल एंथम थोड़ी ना कर रही हूँ यार, जो बिल्कुल स्ट्रेट, एक्चुअली एक सेंस होता है, बॉडी लैंग्वेज भी एक बहुत बड़ी चीज होती है, इसीलिए मैं अपने आप को इम्प्रूव करने का ट्राई करती हूँ। मैं थोड़ा अंदर टायर्ड हो गई थी, सो मैंने सोचा अभी थोड़ा आपके साथ वॉकिंग विद आंसर्स हो जाएंगे। ठीक है, स्टार्ट करें। आपकी फर्स्ट वीडियो वायरल हुई थी तो आपका क्या रिएक्शन था? सो मैं आपको करके दिखाऊंगा, बोल के दिखाऊंगा, करके दिखा दें, आपको ज्यादा मजा आएगा। हम क्यों जाने आपके बारे में, हमें अपना ही अता पता नहीं रहता है, तो आपका जान के क्या करेंगे? वो भी सही है यार, पहले अपना पता कर लो, फिर बाद में दूसरों का पता करना चाहिए। ओके बट आप किस सबसे एडिटिंग करते हो? नहीं यार मैं नहीं कर सकती शेयर, सॉरी। आप क्लॉथ कहाँ से लेते हो? मैं ऑनलाइन शॉपिंग भी करती हूँ, ऑफलाइन भी करती हूँ, दोनों करती हूँ, जहाँ से मिले वहीं से पटोल लाती हूँ। लेकिन अभी प्रेजेंट में मुझको ये वाला टॉप बहुत ज़्यादा पसंद आया है, तो मैं लेने की सोच रही हूँ। ओके बाय गाइस।